बेटी कला तो उदास बैठल छे ललिता कथी भेलो बेटी गाय कहाँ की छमाई तो कला तो उदास बैठल छे सब दिन हंसा बजा वाला आदमी उदास बैठल छे नहीं कुछ हो गए माई कुछ नहीं भेले तू रह दे बुझली की नहीं तोहर मुहे बता रहल के तू कोनो चीज सोच रहल छे कथी सोच छे बेटी कह ना गे माई तोरा निजमान के नहीं कथी कहली हम से यहाँ घर लो चलू ना हमारा तू कोई चल हम अपना घर नहीं कहने छी यहाँ दिया नहीं जाओ हमरा तो मने क दल के जाए ला घर आगे तू मना क दल को हाँ गे भसा किया कि सब घर के लोग एक रंग थोड़ी ना हुई है वही द्वारा बुआ तोरा ल जाए के लगे हिचकिचाई होती नहीं गे माई हमरा लग की कुछ हमरा से छुपा रहल है ए तो तेना बुझाए हो देखी बेटी अखिन के जमाना है ठक ठकेरी वाला तो सब कुछ बुझ सूझ का तब को निर्णय ली है आ ओकता के कोनो निर्णय नहीं ली है तू तो एक नंबर के दिल बटनी सब तो दिल बटित फिर छे कुछ बुझे नहीं छे गे माई दोसर के मन जिक नहीं हमर मन बुझलिए केकरो पर हम जल्दी विश्वास कर ले छी देख बेटी अभी विश्वास के जमाना नहीं है पहले ओकरा बारे में सब कुछ बुझ ले तब विश्वास कर केकरो पर हां के माई ठीक के कोई छी अब एकरा बारे में हमरा जानकारी करे पड़ती की कोता काहे की रही छी आ तू अते बात के लागे केला टेंशन में बैठल छे केना नहीं टेंशन ली के माई हम प्यार कर छी ओकरा से नहीं हां चल तू बड़ प्यार करी छी बंदारा वाली कन्या कहीं तो घर आव ना यहाँ से घर में का किए कथी कहलिए कि तू जे एगो लड़की दिया कहना छल उ लड़की कत के छह आ केहन छ ये उ लड़की तो हमरे गांव के छले आ केला खोज छी ओकर ब्याह दान भ गेले अच्छा ब्याह दान भ गेले आई काकी अहाँ के बेटा से पूछबे हम कर ली तो अहाँ के बेटा के नहीं करो ब्याह तो कथी आ ओकरा खातिर अपना बेटी के रखबे करते दोसर से ब्याह कह दिल के आ कते सुंदर लड़की छलै अहाँ के बेटा मना कह दिलक कनिया तहिया मना कर दल के हमर बेटा ब्याह करे से लेकिन अखनी मना ले लिया आप कहे है ब्याह शादी करो आई काकी आप कहबे ब्याह करब त हम कथे करू कनिया कथी करब उ लड़की के तो ब्याह शादी भए गेले दोसर कोनो लड़की छ न भाज में तो देख न ये काकी अब हम काम नहीं करबे हमरा नजर में कोनो लड़की और रहती नहीं तो हम कभी नहीं करेला अहाँ की बेटा तो पागल हब है कन्या हमर बेटा पागल नहीं है की कहे छ उम्र से बेसी बुझ लगले की आ बेसी बुद्धि हब तुहर से के ब्याह करत कन्या वे हम कहे लेली आब तोरा नहीं खोज दे के मन है तो नहीं कोनो बात आई नहीं काल कतु तो लड़की मिलबे करते नहीं मिलत अहाँ के बेटा को चल जे रहत नहीं तो क्यों बियाह करते अहाँ के बेटा से नहीं एहनो कहू नहीं हेतु हमर बेटा के बियाह आई सनका बता रहे जे तकर तो बियाह हो जे आ हमर बेटा तो निके बात कह जे ज्ञाने को बात करे तो हमर बेटा से कहलो नहीं लोग बियाह करते ओहन ज्ञाने नहीं चाही बुझलिए हे चुप हम अपने खोज लेब तू सब नहीं खोज बताबू हे नीक तो बेटा तो हेबे नहीं करी हब करनी ने धरनी देखा बाओ अब बाकी के तो रास सभी सुन लिया हाँ ये अनुच्छेद में की लिखल है अब उन्हें पहले तैनी से बतवा सकबा कहीं चीज देखो एक गांव में कथा है में एक गांव में बड़ गरीब रहे बड़ गरीब अपनों से बेसी गरीब तो लोग सब सारा साल हाथल के कि भगवान के भक्ति करे के लगे आ जब भगवान के भक्ति जब कोई भी व्यक्ति करते ओकरा धन संपत्ति से पूरे घर भर दे छे तो ओहने भेले ओइ दुखियारी के पूरे धन संपत्ति भ गेले पूरे धन संपत्ति हां जेकर बाद धन संपत्ति जे बेसी ने भ गेले ओकरा ल तो ओकरा में अहंकार जाय गेले आ ओइ मनुष्य के की पता अहंकार बढ़ला से की होई आ भगवान त अहंकार के भोजन करे ल बाओ त ते दुआरे धन संपत्ति भइलो के बाद या नहीं हेतयो भगवान से लगाव राखी पड़ी तै दुआरे बाओ भगवान से विमुख नहीं हुई पड़े सब दिन जब तक जिया तब तक भगवान के भक्ति भजन करा कत ध्यान है बाबू आप कहा न कहा सुने ची हम सब बात सुने हाँ। ची आप तेसर चौपाई में हैं बाबू ये बात बाबू कहाँ ले चिया चिया वाह वाह रुपचा चोर चोर मतारे लो मतार के सुना भी परमात्मा वो करो ज्ञान दाही कनी ये आह सुनो ना हम काम है गे माय आते आता तू बैठ काम था रे अरे काम बैठ ना जो ना करते बाद में भाई सबसे पहले ज्ञान जरूरी है जीवन में काम काज रिश्ता नाता जत्ते दुनियादारी सब छूट जाए केंद्रित कर ज्ञान पर
ज्ञान के बात है ज्ञान में से ज्ञान अर्जन करे है तो जीवन में केना के जिए पड़े बाबू केना के केकरा लग कथी बोले पड़े सब मैनुअल के तरह ही काम करे। हां रे बेटा हम बुझ गेलिए कुछो संगे नहीं चाहे लेकिन ज्ञान जे आदमी के पास रहे छे ना ओहे संगे जाए। हां तोर माई बुझी हो कने हम काम में जा छी काम है हम बुझे छी तू मात्रे सुनि छला ओई द्वारा तू कहियो मुक्ति पइबे नहीं करबा धन के माई है कनी बातो बुझे है। हां ऊ बात बुझे बनिया जी का ओ करे कहि सर दुआ कथी में हमरा फसा दे होय अपना भाई गेल हमरा बैठा दल के ये के माई आय कता ध्यान हां देखले बाऊ को ना जाय खेत दिसन जाय एक बार छोड़ ना बाऊ के देखी माई अगर तू ध्यान से जे हमर पाठ सुनबी ही तो तू मुक्ति पा सके छे। मुक्ति पावे के लागी दर दर भटक पड़े कत्ते प्रकार का जोगी महात्मा के साथ रह पड़े त्याग कर पड़े लेकिन हमरा एक आदमी कल के कि सारा ज्ञान किताबों में मिले ते द्वारा तोरा एक और तोरा हम बेटा रे हम कथी कहे छियो काल भोरे भोरे नहा सोना के आ तकर बाद तू पढ़िया तो हम सुनबो अखनी जाय छी बटका माय असलान नहीं करते ने तइयो होती मन सपा हो परले मन ते द्वारा कहीं का पाठ बुझना तो सफे है ले ई वाला हो ना ये ते मतलब पैर के आ तब हमरा पठा दे धरफड़ धरफड़ तू कला करे छे पाठ सुना पर ही एकदम शांत मन क के अच्छा ले 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 भगवान के समर्पित क के ले हम शांत मन के पर हमरा माई के तो ई समझ में नहीं आती कथा माई हां तोरा एगो ज्ञान वाला कथा कही छु। हां कौन देखी एकटा गांव में हां आदमी रहे बुझली एक परिवार में नया ध्यान कन्या रहे आखार महीना के दिन रहे कन्या के दिन के लग गए मैदान अब पहिलका समय में टॉयलेट तो नहीं रहे नहीं अब आखार महीना में कत जाओ पानी है देखे हाँ अलग धम कन्या कत जेते कत जेते तो कहीं का दूर जब बढ़ले ना तो महादेव जी के मंदिर रहे कहीं के दूर आगाड़ी तो वही के प्रांगण में अब कन्या बोरी आदमी कत जेते ओका बुझे ले की जो और बुढ़े बड़दो छै खराब केना मंदिर के प्रांगण में चल गेले रे पहले सुन ही ना। हां कहि ना उ जा के जो मैदान क देलके हां आप शिव जी के तो पीत लहर गेल होते पीत नहीं लहर ले उस समस्या में देखल के और कल के जे ए जे गंदगी लाग गेले अभी गंदगी कोई सफा नहीं करते मैदान हां हां तो शिव जी सोचलक ए मैदान के सोना बना दे छै शिव जी एहन शक्ति मारलकै कि ओहि मैदान के सोना बना देलकै आ जब जे ओ कन्या लब्धव कन्या पछाड़ी उनट के जे तकैय तो ओ मैदान सोना भ गेल कन्या लौचा के घरे लगल धलल के लगल घरे अपना सास ससुर के देखलकै बाप रे ओकर सास ससुर तो पूरे खुशी से पागल सब सास ससुर सब जाय लगले मैदान कर सब के भर गेले ओकरा देखा सी कि स टोल पड़ोस के लोग सब सेहो जाय लगले सबके सोना बन जाए आप शिव जी कचरा तो नहीं हो देते हुए जा हाँ, हाँ, सोना बना हे ओत्ते करते करते माई पूरा गांव के लोग चल के मैदान कर सबके सोना बन जाए आ जे वो जगह पंडित आ पंडिताइन रहे न हाँ। पंडिताइन के मालूम भेले तो अपना पंडित जी के कहलिए पंडित जी अपना महादेव जी के मंट के प्रांगण में जे मैदान करे छे वो मैदान तो सोना बन जाय छे पंडित जी के लागले है कथि बजे छी यहां नहीं नहीं हम पूरा गांव आदमी के देख लिए पंडित जी आ हमर बात बुझो तब पंडिताइन कल पंडिताइन तो लोभी ये पंडित जी चलो अपने दोनों को जे मैदान करब आ सोना पाए तब पंडिताइन रहे मूर्ख पंडित ने रहे मूर्ख पंडित कल के है पंडिताइन गांव के पूरे लोग मूर्ख है ये सब के सब पाप करे है तो पंडित आइन कल के गुस्सा में आ ये पंडित जी सब कोई धनिक भ गेले सोना पापा का आ हमरा आ सोना नहीं ले जाय छी कल की ना हम धर्म करे छी हम पाप नहीं तू एना कर ई गांव में जे केल के जे केल के अपना दोनों तो नहीं केले अपना दोनों ई गांव ही छोड़ दी छी आ एकटा बात और पंडित आइन जखने ई गांव हम छोड़बे तखने ई गांव जेल कर राख बजते ओकरे दुनोटा पर गांव टिकल छले हां ओकरे दुनोटा पर गांव पंडित जी कहल के ए तो पंडित जी जे गांव से अगारी जे बहले ना हां तो पंडिताइन त तेने पंडिताइन घूर के तकलक जा कहां आग लगली गांव में पंडित जी त कहै छले निकलते मात्र गांव में आग लग जते
तो पंडित जी के पूछे पंडित जी अहा कैसे बोलो आग लग जाते कहाँ गाँव में आग लगले हाँ। पंडित जी कल के पंडितान के कुछ हाँ। बिसरल छी तो पंडितान कल के ना ना हम कतो नहीं बिसरल छी हम सब चीज ल कर लिया। पंडित कल के ना वही जो जरूरे कोनो अपन मेहनत के कमाई चीज राखल है वही से एना नहीं हमारा चाय दे। पंडित दुखते दुखते गल सुइया रहे माए तो वो मेहनते क के पंडित जी जमा के रहे सुइया कपड़ा फटी तो सी है उस सुइया जग ल के अबते है गाँव से टेपते है सीमाना कि गाँव में पूरे चीर कर राख पकड़े गाँव आ पंडित आई तो छक पड़ गए कि पंडित जी जो कल के सीए भगले तो आई के मतलब माई तगर मतलब ई भले बेटा जे आदमी को लोभ नहीं हो है करे ल मेहनत से जतने हो ततने खो। सही बात देखी माई ए दुनिया में धर्म कर वाला व्यक्ति नहीं रहते हां ई दुनिया ब्लास्ट बजे थी सब कोई धरती में समा जी थी अखनो धर्म कर अगर दुनिया के बचाव चाहे छी दुनिया में तो तोर सब कुछ पर तोर पति परे बेटा पढ़े है नात नती दुनिया जहान सब पर तो सब के बचबे के लागी मात्र भक्ति करे पड़त। जय श्री राम जय श्री राम बस इतनी।